राजस्थान सरकार के खिलाफ डॉक्टरों की हड़ताल का असर अब हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। आज पूरे हरियाणा में निजी डॉक्टर हड़ताल पर रहे। साइबर सिटी गुरुग्राम में भी सैकड़ों की संख्या में डॉक्टरों ने सड़कों पर उतरकर राजस्थान सरकार के राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि राजस्थान सरकार द्वारा विधानसभा में पारित स्वास्थ्य का अधिकार बिल के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA हरियाणा शाखा ने राजस्थान के चिकित्सकों को समर्थन दे दिया है। इस बिल के विरोध में आज पूरे हरियाणा में सभी प्रकार की निजी चिकित्सा सेवाएं बंद रहीं। वहीं गुरुग्राम की सड़कों पर सैकड़ों डॉक्टरों ने उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टरों की माने तो राइट टू हेल्थ बिल में इमरजेंसी में मरीज को बिना चार्ज लिए इलाज देने जैसे प्रावधान हैं, जिससे डॉक्टरों को न सिर्फ नुकसान का सामना करना पड़ेगा बल्कि अस्पताल में झगड़े के मामलों में भी इजाफा होगा। प्रदर्शनकारी डॉक्टर ने कहा कि राजस्थान सरकार ने यह भी साफ नहीं किया है कि वह इमरजेंसी में भर्ती मरीजों के बिल को भुगतान कितना और कब करेगी। उन्होंने कहा कि इस बिल में और भी कई ऐसे प्रावधान हैं जो डॉक्टरों के हित में नहीं हैं। इस बिल में इमरजेंसी डिफाइन नहीं की गई है कि क्या इमरजेंसी हो सकती है। वैसे किसी का भी पेट दर्द हो रहा हो, कान दर्द हो रहा हो, ये भी पेशेंट के लिए तो ये भी एक इमरजेंसी है, लेकिन हर जगह भी अवेलेबल नहीं हो सकती है। आप किसी आई हॉस्पिटल में जाके कान दर्द का ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, लेकिन इसमें ये डिफाइन नहीं किया गया है कि कहाँ पर जाके कहाँ ट्रीटमेंट कराना है। इसमें क्या होगा कि अननेसरी जो हॉस्पिटल मैनेज नहीं कर सकते हैं वहाँ पर पेशेंट जाएंगे और उन हॉस्पिटल में बर्डन पड़ेगी, और उसके बाद फिर मुश्किल ये होगा कि यदि वो ट्रीट नहीं कर पाएंगे उसको तो वहाँ पर फिर वायलेंस होने के चांसेस होते हैं। पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होगा तो वायलेंस होगा, करते हैं लोग, हर जगह करते हैं ये, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके दो तीन चीज़ें हैं, एक तो इमरजेंसी डिफाइन नहीं की गई है, एक हॉस्पिटल डिफाइन नहीं किया गया कि किस हॉस्पिटल में जाना है आपने, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और तीसरा रीइंबर्समेंट के लिए बोल तो दिया गया फ्री में होगा, लेकिन कैसे फ्री में होगा? हॉस्पिटल सारे हॉस्पिटल ने इतना बड़ा लोन लेके हॉस्पिटल्स खोला है, मशीनें लगाई हुई हैं, करोड़ों की मशीनें लगाती हैं, रनिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा, इतना स्टाफ होता है, वो सब कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं फ्री में हर चीज़ का? और मरीज के लिए तो हर चीज़ इमरजेंसी होती है, उसकी हर सारी इमरजेंसी होगी, उसकी उसका पेट दर्द भी इमरजेंसी होगा, उसका कान दर्द भी इमरजेंसी होगा, सिर दर्द भी इमरजेंसी होगा, तो ये मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सरकार को समझना चाहिए, प्रॉपरली डिफाइन करना चाहिए इस चीज़ को, और तभी ये बिल को लाना चाहिए। बिना सोचे समझे एक वोट बैंक की राजनीति की है कि इलेक्शन आने वाली है गवर्नमेंट की राजस्थान में, और उन्होंने ये बिल लागू कर दिया। हम खुद इस बिल की मांग कर रहे थे, हमारे सेंट्रल काफ़ी सालों से, लेकिन ये जिस वे में ये लाया गया बिल वो गलत है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। बहरहाल राजस्थान से शुरू हुई डॉक्टरों की हड़ताल का प्रभाव अब अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि जब तक यह बिल वापस नहीं होगा तब तक यह विरोध प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। ऐसे में देखना होगा कि अब राजस्थान सरकार कैसे डॉक्टरों के साथ समन्वय बना पाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।